तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीचेन कॉइन के बारे में, जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स लेकर आ चुका है अपने यूज़ केस में, अपने इकोसिस्टम में। काफ़ी सारी चीज़ें हमें मार्केट में इससे रिलेटेड देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आप अगर इन्वेस्टर हैं, अगर आप होल्डर हैं इस कॉइन के, तो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे प्रेडिक्शन इस कॉइन के बारे में लगाए जा रहे हैं 2023 से लेकर टू 2030 तक के लिए। बहुत अच्छे प्रेडिक्शन यहाँ पर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं काफ़ी सारी न्यूज़ है मार्केट में जो वीचेन कॉइन से रिलेटेड आपको देखने को मिल रही होगी। इन सारी न्यूज़ का कहीं ना कहीं इंपैक्ट वीचेन कॉइन के प्राइस पर हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्रैश हो गया है, जिसके कारण वीचेन के साथ ही बाकी सभी अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स नीचे आ गए हैं। मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर क्रैश हो चुका है। ऑलमोस्ट 12-15% का डाउनफॉल हमें कॉइन्स के प्राइसेस में देखने को मिला है। इसी के साथ में वीचेन कॉइन भी पिछले 7 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 12% का डाउनफॉल अपने प्राइस में दिखा चुका है। इसी के साथ में AI ने भी वीचेन के लिए एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन लगाया है। साथ ही में वीचेन ने AI रियल्म के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपांशन किया है। ओपन AI को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है रिसेंट कुछ दिनों में, जहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके यूज केस में हमें देखने को मिली है। वीचेन के डेवलपर्स भी यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम अपडेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर पर फॉलोअर्स में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। साथ ही में VORG रिसेंट में लॉन्च किया गया, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर भी एक नजर डाल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर वीचेन के वेब वॉलेट को भी लॉन्च किया गया। साथ ही में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसे यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ऑफलाइन प्रमोशंस भी किए गए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों का कितना ज़्यादा इंपैक्ट हमें वीचेन के प्राइस पर देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर। 2030 तक कितना ज़्यादा प्राइस पॉइंट पर ये कॉइन जाता दिखाई देने वाला है, 2023 में इस कॉइन का प्राइस क्या होने वाला है, और बुल रन आने पर ये कॉइन कितनी ज़्यादा ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीचेन यानी कि वेट कॉइन के बारे में। सबसे पहले तो फिलहाल अगर हम इसकी करंट सिचुएशन पर ध्यान दें, तो इस समय कॉइन 1.81 रुपीस के आसपास चल रहा है। रैंकिंग की जहाँ तक बात की जाए तो टॉप 50 कॉइन्स की लिस्ट में ये शामिल है, और इस समय अगर हम देखें तो यहाँ पर 12% से ये कॉइन नीचे गिर गया है। पिछले 7 दिन की जहाँ तक बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें इसकी प्राइस में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था और वेट कॉइन के साथ ही बाकी सभी कॉइन्स यहाँ पर नीचे आ गए थे। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम ऑल टाइम ग्राफ की तरफ ध्यान दें, तो आप देख सकते हैं किस तरह का डाउनफॉल वीचेन के प्राइस में हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्शंस का कहना है कि ये कॉइन जो 2021 की बुल रैली में अपने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 18-22 रुपये को टच करके आ गया है, वो कॉइन आने वाले समय के अंदर 100 रुपीज़ को भी टच करता नजर आने वाला है। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, ऑलमोस्ट 400-500% का ग्रोथ इसको अपने प्राइस में दिखाना पड़ेगा, तब जाके इतने बड़े प्राइस पॉइंट पर ये पहुंच सकता है। लेकिन बुल रन में ये चीज़ें पॉसिबल हो भी सकती है, ऐसा प्रेडिक्शंस का कहना है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर करंट सिचुएशंस की, तो यहाँ पर वॉचर गुरु की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन लगाया गया है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जहाँ पर वीचेन कॉइन AI में एक अच्छा खासा एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही में ओपन AI को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रिसेंटली अगर हम देखें तो इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं VORG को रिसेंटली लॉन्च किया गया था, जो Web3 के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल साबित हुआ और बहुत ही एक अच्छा कदम था, जिसके कारण काफ़ी सारे Web3 के प्रोजेक्ट्स वीचेन के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो इस समय मैटिक कॉइन के साथ काम कर रहे हैं Web3 के, लेकिन इस समय जो सेकंड नंबर पर आता था वो वीचेन कॉइन था। लेकिन VORG के लॉन्च के बाद अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वीचेन की ओर भी जाना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं वीचेन एनर्जी ने ऑफिशियली आकर एक स्टेटमेंट दिया है कि VR एक्सप्लोरिंग ओपन AI जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर AI को बाकी पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, वीचेन भी अपनी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर AI में जो जंप करने का ट्रेंड चल रहा है काफ़ी सारी कंपनीज का, वह वीचेन भी करना शुरू करने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीचेन का खुद का वेब वॉलेट था वीवल नाम से, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन फीस लग रही थी उसको यहाँ पर पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होंगे वो पूरी तरह से फ्री होने वाले हैं, किसी भी तरह का फीस यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट था जो काफ़ी सारी कंपनीज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपने यूज केस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है पूरी तरह से अपने ट्रांजेक्शन फीस को एलिमिनेट कर देना। वहीं पर वी वर्ल्ड इस चीज़ को भी पॉसिबल कर पाया है। इसके साथ में अगर हम
प्रोडिक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 से लेकर तो 2030 के लिए बहुत अच्छे प्रोडिक्शंस लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडिक्शंस के हिसाब से जो 2030 के लिए प्रोडिक्शन लगाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडिक्शन लगाए जा रहे हैं वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है। काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्होंने चूज़ किए हैं, काफ़ी सारी पार्टनरशिप समय पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं BMW ग्रुप, प्राइस वेयर हाउस कूपर्स और H&M जैसे बड़ी कंपनीज के साथ यहाँ पर हमें वीचेन की पार्टनरशिप देखने को मिली है। इन्हीं चीज़ों के कारण यहाँ पर वीचेन के बारे में बहुत अच्छे प्राइस प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि ये कॉइन आने वाले समय के अंदर ऑलमोस्ट 100 रुपीज को टच करता हुआ नजर आने वाला है। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि बुलरन में ये कॉइन ऑलमोस्ट 300 से 400% का ग्रोथ अपनी प्राइस में दिखा सकता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है, वी थॉर है, वी टोकन्स, 2-in-1 टोकन वेंटेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पर वीचेन ने अपने इकोसिस्टम में बना रखी है पहले से, उन सारी चीज़ों के कारण ही यहाँ पर वीचेन के प्राइस में हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो शिबा इनू के शिबेरियम के लॉन्च होने के कारण हमें शिबा इनू के प्राइस में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम में, बैकेंड में और इंटरनली बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई है, जिसके कारण शिबा इनू का प्राइस हमें धीरे धीरे बढ़ता दिखाई देने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर वीचेन की इन अपडेट्स के कारण भी वीचेन का प्राइस हमें आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता नजर आने वाला है। तो यहाँ पर हम में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने वीचेन कॉइन को ऑलमोस्ट 8 से 9 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करके रखा है। हम सभी इस समय लॉस में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो जल्द से जल्द ये कॉइन टच करता नजर आने वाला है, जिसके बाद हम सभी प्रॉफिट में होंगे और हम सभी जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहे, होल्ड करके रखना चाहे, कर सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स वीचेन से मिल सके। तो होप आपको इस वीडियो ने वीचेन से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें।